हेलो एवरीवन, दिस आर पाटिल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++। ठीक है, तो आज के ये टॉपिक भी एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, है ना। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ कर देना। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि यार जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे ना, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी हो रहा है कि डेली वीडियोस नहीं डल पा रहे, अल्टरनेट डेज में डल रही, तो जिस भी टाइम जब भी डले तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि यार ये वीडियो अब अपलोड होने वाली है, तो आप आके देख लें। ठीक है, इसके अलावा लाइक और शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार और नए नए सब्जेक्ट्स जो आप अभी अगर थर्ड सेम में होंगे, आप फोर्थ और फिफ्थ सेम में जाएंगे, तो और नए नए सब्जेक्ट आपके लिए ला पाएंगे कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना अपन लोग और सब्जेक्ट भी ला पाएं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ मेरी हेल्प कर देना, बाकी ठीक है सब कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं आखिर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज देखने वाले हैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन C++। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर एरे क्या होता है। ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट समझने से पहले थोड़ा सा एरे के बारे में जान लेते हैं। तो भैया बताइए अपन को एरे क्या होता है, है ना। थोड़ा सा ऊपर बता दें क्योंकि यहाँ पे अपनी जो है कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी, है ना, तो यहाँ बता देता आपको एरे क्या होता है। तो एरे कुछ नहीं, जो आपने ये बड़ा सा ये लाइन देखी होगी ना, अपन ट्रेन के डब्बे भी देखते होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें जो वैल्यू असाइन कर दी 1 2 3 4 5, तो ये जो अपना चीज़ दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं एरे। आई होप सो थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लगा होगा। अब इसी एरे को समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट के केस में किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो व्हाट इज एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स पे थोड़ा देखने का ट्राई करना क्या लिखा है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेम क्लास स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं अगर सेम क्लास के एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे अरेंज हैं, उसी को अपन बोलेंगे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वही चीज़ ये ऑब्जेक्ट बना दिया एक कंटीजियस मैनर पे, 1 2 3 4, एक अरेंज है। ठीक है, एक लाइन के फॉर्म में अरेंज है, उसी को अपन बोलेंगे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया। उसके बाद सिमिलर टू एरे ऑफ प्रिमिटिव डाटा, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के एरे की बात करी थी अभी जो आपको बताया था, उसी की तरह रहता है। ठीक है, बट क्या इसमें कंटेन रहते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू की जगह इसमें क्या रहते हैं कंटेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि क्या होते हैं, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको अपन आराम से देख सकते हैं, आराम से टच कर सकते हैं, हर वो चीज जो अपन के सामने दिख रही है वो एक एरे है। समझ में आया। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यूज टू हैंडल मल्टीपल ऑब्जेक्ट एफिशिएंटली। इसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको आराम से अपन लोग एफिशिएंटली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल स्टूडेंट यूजिंग स्टूडेंट क्लास। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास अपन ने बनाई और मल्टीपल स्टूडेंट्स की अपन को इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है अपन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये कैसे होगा आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसको कोट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को रब करता हूँ। आई होप सो अपन को एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक बेसिक सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अगर अब एग्जाम में लिखने को आता है तो आप सिंपल जो चीज़ मैंने लिखवाई है और जो चीज़ आपको समझ में आई है उस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आ जाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अपन देखते हैं व्हाई यूज़ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट को यूज़ क्यों करते हैं जब अपने पास ऑब्जेक्ट क्लास रखे हुए हैं। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे अपने जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, तो अपन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज स्टोरेज, स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इनेबल प्रोसेसिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लूप। लूप की वजह से अपन क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी, या सूटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायनेमिक, जहां नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डायनेमिक तरीके से होंगे वहां पे अपन जो है इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉयज, कार्स और बुक्स। ठीक है, मान लो अपन को बहुत सारी कार्स हैं, उसका जो है रिकॉर्ड अपन को मेंटेन करके रखना है, सिमिलर तरह की कार है, तो अपन उसको क्या है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट की तरह सिमिलर कंटिन्यूस मैनर में उसको जमा के रख पाएंगे। सेम एग्जांपल अपना एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय वन को कितनी सैलरी देनी, एम्प्लॉय टू को कितनी सैलरी देनी है, उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, सारी चीज़ें। उसके बाद सेम बुक अपनी बुक नंबर वन, बुक नंबर टू, इस तरह से कंटिन्यूस मैनर में अपन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मदद से उस चीज़ को सजा के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इतनी क्लियर हुई। ठीक है, तो आई होप्स अपन को कहाँ कहाँ क्यों अपन लोग एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं ये चीज अपन को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इस चीज को रब करता हूं और अपन नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, सिंटेक्स ऑफ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपन ने क्लास का सिंटेक्स देख लिया, बेसिक ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स देख लिया, अब अपन देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन को एक क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, अपन क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास डिफाइन किस तरह से करते हैं पहले भी अपन ने सीख लिया, एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक क्लास का नाम रखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे कि ये क्लास है। इतनी क्लियर हुई। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन एक एक्सेस स्पेसिफायर, इसमें अपन ने पब्लिक लिख लिया। अब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पब्लिक स्पेसिफायर लगाया जिससे जो वैल्यूज है वो बाहर भी दिख पाए। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए और मेथड डिफाइन किए। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भैया, जो अपन डाटा इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कार टाइप का अपन लोग बना रहे हैं तो कार का नाम क्या होगा। ठीक है, कार का कलर क्या होगा। उसके बाद मेथड्स में क्या करेंगे, कार ड्राइव करेगी, स्टॉप करेगी, ये सब चीज़ें मेथड में लिखेंगे। इतनी ज़बन क्लियर हुई। उसके बाद इसमें एरे किस तरह से जो है क्रिएट करते हैं उसका देखें। तो ये क्लास अपन ने पहले तो डिफाइन कर ली, उसके बाद क्या करेंगे अपन एरे डिफाइन करेंगे। एरे डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, क्लास का जो नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे यहाँ पे बनाएंगे और उसका जो साइज है वो डिफाइन कर दें। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी सिंपल अपन को ध्यान रखना है, एक एरे को बनाने के लिए क्या करना है, एक क्लास का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट एरे लिखना है और साइज लिखना है। ठीक है, एक चीज़ बोलूंगा मैं कि ये वाली जो नोट्स हैं अपने, ठीक है, जितने भी आपको दिख रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प हो रही होगी। और सेम चीज़ जो मैंने लिखवाई है ना, यही आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आनी है। क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखा आता है एग्जाम में कि यार भैया एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा आया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको बताइए बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, कोड क्या होता है, तो सिंपल जो जो भी चीज़ें लिखवाई है, पहले तो मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी, उसके बाद सिंटेक्स भी लिखवा दिया एरे का, उसके बाद आपका आगे कोड भी लिखवाऊंगा, दो एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आपको दो एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ जाना है। ठीक है, इतनी क्लियर हुई। उसके बाद एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड किस तरह से एक्सेस करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एरे और उसका इंडेक्स, मतलब जैसे यहाँ पे इंडेक्स का साइज अपन लोग दे देंगे कि यार मान लो 3 टाइप का साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए कि क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेथड क्या फंक्शन करेगी। अभी आई नो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको एक अपन लोग एग्जांपल से समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होगा। ये बस एक बेसिक सिंटेक्स है कि यार इस तरह से जो है एक ढांचा बनेगा। ठीक है, तो इतनी जबन क्लियर हुई, मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एन एरे और इस चीज़ को अपन कोड करके भी देख रहे होंगे, है ना। सबसे पहले मैं बोलूँगा अगर आपने अभी तक लैपटॉप नहीं निकाला है तो आप एक लैपटॉप निकाल लीजिए अपना, जिससे आप मेरे साथ साथ जो है कोड करके दे, क्योंकि आप बड़े बड़े कोड हैं इस बार, है ना। तो इसमें क्या है, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे साथ साथ अगर आप भी मेरे साथ साथ कोड करते रहेंगे आपको भी बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा। ठीक है, चीज़ें आराम से क्लियर भी हो रही होगी जब अपन उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, और मेरे को वही लगता है यार, कोडिंग को अपन लोग कितना भी थ्योरी पढ़ लें बट अगर उसको कोड करके नहीं देख रहे हों तब तक अपन को चीज़ें क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख रहे थे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अपना स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो है जब अपन कोड लिखते स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। ये लिखते लिखते आपको स्टार्टिंग यूनिट 1 से आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास को डिफाइन स्टूडेंट का, सबसे पहले क्लास का नाम देना पड़ता है, तो अपन ने क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट दे दिया और क्लास यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया जिसका नाम पब्लिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देने पड़ता है। एट्रीब्यूट्स में अपन ने दिया क्या, नाम और अपना रोल नंबर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स दे दिया, एट्रीब्यूट्स में अपना नाम दे दिया, रोल नंबर। अब नाम क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, तो अपन ने स्ट्रिंग लगा दिया उसके सामने डेटा टाइप। और रोल नंबर क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर है, तो उसको अपन ने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दे दिया। उसके बाद ये कुछ फंक्शन करेगी। अपन ने दो चीज़ क्लास में डिफाइन करनी पड़ती है, पहला एट्रीब्यूट और दूसरा फंक्शन। तो हाँ ठीक है, फंक्शन, तो फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया कि यार void display। ठीक है, मतलब फंक्शन कि वो क्या वर्क करेगा, वो डिस्प्ले कर दिया कि यार सी आउट करना है आपको नेम। ठीक है, नेम लिखना है, नेम जो है वो डिस्प्ले कराना है और नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करा देना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर को सामने पहले डिस्प्ले कराना है और रोल नंबर में जो वैल्यू पुट है उसको वहाँ पे डिस्प्ले कराना है और नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। अब ये चीज़ कैसे है इसको मैं आगे से थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ये क्योंकि ये पूरा कोड नहीं है। ठीक है, ये आधा कोड है, आधा कोड मैंने इसमें आ नहीं रहा था ये वाली स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट लाइन पे ले गया। उसके बाद
ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट कोड का पार्ट है, अपन ने वो क्लास डिफाइन कर दी, उसके बाद ये उसके बाद का पार्ट है, तो है ना। उसके बाद क्लास डिफाइन करने के बाद करते हैं इंट मेन करते हैं। अब इसमें देखिए क्रिएट एरे, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक इस, अपन लोग जो क्लास है उसको लिखेंगे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो अपन ने स्टूडेंट्स नाम का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको कर दिया कि यार ये तीन जो वैल्यू है उसको अपने अंदर समा के रखता है, ठीक है। उसके बाद असाइनिंग वैल्यू, वैल्यू को असाइन कर दिया सबसे पहले, ये मतलब तीन इंडेक्स करे हैं, ठीक है, तीन इंडेक्स जैसे एरे जो है यहाँ पे बन चुके हैं, इस तरह से तीन एरे बन चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब पहला जो ये वाला जो रहता है ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये वन से स्टार्ट होता है और ये टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर तीन टाइप का एरे है तो इस तरह से होगा, जीरो वन टू, अगर फोर टाइप का होगा तो वही जितनी भी वैल्यूज होगी उसमें से माइनस वन कर देंगे, तो मतलब तीन टाइप, चार टाइप का होगा तो यहाँ पे होगा जीरो वन टू और ये थ्री, ठीक है। इतनी चीज़ अपन क्लियर हुई, तो असाइनिंग अब यहाँ पे उसको करेंगे, ठीक है। तो असाइनिंग वैल्यू करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे, इसके अंदर का ये डिफाइन कर देंगे, जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद नेम को कर दिया अपन ने एलिस, ठीक है। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर भी लगा है, थोड़ा सा आपको बताने का ट्राई करूँ, है ना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने एरे को क्रिएट किया, एरे को क्रिएट करने के लिए अपन को क्लास लिखनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरे क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एरे क्या है उसका नाम अपन ने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे कितने नाम का इंडेक्स वैल्यू है वो अपन ने डिफाइन कर, तीन नाम की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद असाइनिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज को असाइनिंग किया, स्टूडेंट जीरो, जीरो वाला जो इंडेक्स है उसमें जो नाम, एक अपन ने क्या लगा एट्रीब्यूट दिया कि यार नाम जो होगा वो एलिस होगा, और स्टूडेंट जीरो में जो रोल नंबर होगा वो होगा क्या वन, इतनी इस क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसमें अपन ने क्या किया, नाम दिया बॉब और जो अपना रोल नंबर दिया टू, ठीक है। उसके बाद सेकंड नाम का जो इंडेक्स है उसमें नाम दिया अपन ने चार्ली और रोल नंबर दिया थ्री, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने वैल्यूज को जो है स्टूडेंट नाम के उसमें असाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये तीन टाइप की थी, तो अपन ने बताया कि यार जो इसमें अगर तीन टाइप की, तीन नंबर का इंडेक्स होता है तो उसमें जीरो वन और टू से अपन उसको करते हैं डिफाइन, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए अपन ने एक लूप लगाया है, लूप के बारे में भी अपन ने जो अपना यूनिट वन है उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको फोर लूप वाइल लूप उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फोर लूप यहाँ पे लगाते हैं, जिसमें क्या करेंगे, आई जो अपना है, ठीक है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है थ्री, ठीक है, आई की वैल्यू को सबसे पहले तो अपन जीरो रखेंगे, और ये इंट टाइप का डेटा टाइप है तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इंट, ठीक है। फिर आई की वैल्यू को जब तक ये थ्री से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक इसको क्या करेंगे अपन लोग, लूप को चलाते रहेंगे, आई प्लस प्लस मतलब लूप चलता रहेगा, जीरो से जब तक ये थ्री के बराबर नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना स्टूडेंट आई है तब तक वो डिस्प्ले होगा, है ना, और उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे। अब ये चीज़ क्या है, इसको एक कोड के माध्यम से जब समझेंगे और कोड का जब आउटपुट आएगा ना तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पहले रब कर देता हूँ और फिर अपन लोग सारी चीज़ों को इतने प्यारे तरीके से समझेंगे। और मैं वही बोलूँगा, अगर अभी तक आपने लैपटॉप जो है अभी तक निकाल के नहीं रखा है तो लैपटॉप आप निकालिए और साथ साथ में मेरे कोड करते रहिए। ये इस कोड का एक्सप्लेनेशन भी है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं देन फिर अपन कोड करने जाएंगे। जैसे क्लास डेफिनेशन में अपन ने यह किया, द स्टूडेंट क्लास हैज़ एट्रीब्यूट नेम एंड रोल नंबर आर अ मैथड डिस्प्ले, ठीक है। स्टूडेंट ये जो क्लास है वो एक स्टूडेंट नाम की है, ठीक है, नेम एंड वैल्यू इसके रोल नंबर और वो एट्रीब्यूट्स हो गए, और उसकी मैथड अपन ने क्या करा है, इस चीज़ों को आप ये डिस्प्ले जो अभी आगे अपन ने देखी थी, ठीक है। उसके बाद एरे डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो एरे है कि यार तीन जो उसमें वैल्यूज आएंगी वो अपन ने कर दी, क्रिएट एन एरे थ्री स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है थ्री स्टूडेंट जो है आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, असाइनिंग वैल्यू, ईच ऑब्जेक्ट इन एरे इज असाइंड वैल्यू इज अ डॉट ऑपरेटर की मदद से अपन क्या करते हैं वैल्यूज को इसमें असाइन करते हैं। उसके बाद लूप फॉर एक्सेस, अ लूप प्रोसेसेस ईच ऑब्जेक्ट इन द एरे कॉलिंग डिस्प्ले मेथड, ठीक है। लूप का एक्सेस किस तरह से, जो डिस्प्ले मेथड है उसकी वजह से अपन लोग क्या करते हैं उस चीज को डिस्प्ले करवाते हैं। अब इस चीज को अपन एक बार कोड करके देख लेते हैं, है ना, जिससे चीजें कोड एक बार कर लेंगे उसके बाद आउटपुट निकालेंगे और फिर एक बार वहां पे चीजों को अच्छे समझेंगे तो अपन को आराम से चीजें जो है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो मैं चलता हूं अपने, इस बार क्या करूं, वीएस कोड खोल लेता हूं, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको ऑनलाइन कंपाइलर में कोड लिखवाया था, इस बार अपन वीएस कोड में कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, शुरू से बता दूं, चलिए ठीक है, इतना तो आ ही गया होगा। अपन ने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है, इसमें सिंपली आपको न्यू फाइल बनानी है, यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डॉट सीपीपी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन कोड लेना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लिख लेंगे, आई इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास अपन डिफाइन करेंगे, क्लास डिफाइन, ठीक है। क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं, सबसे पहले क्लास लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है भैया, स्टूडेंट नाम की क्लास है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस अपन लगाएंगे और यहाँ पे अपन एक एक्सेस स्पेसिफायर जो अपना पब्लिक है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अपन को बेसिक जो इंडेंटेशन है उसका ध्यान रखना है, बेसिक सिंटेक्स जो इसमें लग रहा है उसका ध्यान रखना है। पब्लिक के बाद आपको ऐसा कॉलम लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे थोड़ा नीचे और दो मिनट, ठीक है। और यहाँ पे अपन स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप लिख देंगे और यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है। ये अपन ने क्या करा, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। उसके बाद इंट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर एक इंटीजर वैल्यू है तो अपन लोग रोल नंबर को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना क्या, थर्ड पे जो अपना फंक्शन है, क्या फंक्शन करेगा, तो void display, ठीक है, display फंक्शन करेगा। और इसके बाद अपन curly braces लगाएंगे और display क्या करेगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, cout, ठीक है। उसके बाद name अपन जो है output आना चाहिए, name, then उसके बाद नेम की जो वैल्यू है क्या नेम रहेगा वो यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा रोल नंबर क्या है अपना, रोल नंबर, ठीक है। देन फिर रोल नंबर की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिखी आएगी, रोल नंबर। और फिर लास्ट में एंडल, अभी एंडल क्यों लगाते हैं भैया, इसके बारे में भी आपको बताया। एंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब अपन कोड अपन लिख लें, ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट डिस्प्ले हो जाए उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, वरना ऐसा एंडल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ उसी लाइन में जो है आगे प्रिंट होती जाएगी। इसको एक बार ये हटा के एंडल को, उसको भी समझेंगे कि ये किस तरह से होता है, जिससे आप थोड़ा इस चीज़ को विजुअली देख पाएं, ठीक है। तो इतनी सी अपन क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद अपन लोग ये अपना जो है क्लास अपनी बन चुकी है, अब अपन जो बेसिक कोड है वो यहां पे लिखते हैं, ठीक है। इंट मेन जो आपको बताया था, इंट मेन अपन लोग लिखेंगे। उसके बाद यहां पे लगाएंगे अपन कर्ली ब्रेसेस और यहां पे सबसे पहले जो अपन को अब क्रिएट करना है वो क्रिएट क्या करना है, क्रिएटिंग एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अपन को एरे यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करने के लिए अभी अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन लोग क्लास लिखेंगे, स्टूडेंट नाम की क्लास है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एरे का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट एरे का नाम क्या करते हैं, स्टूडेंट अपन ने दे दिया है तो अपन यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये कितने इसमें स्टूडेंट्स आएंगे वो इसमें बता देते हैं, तो भैया मान लो 3 स्टूडेंट आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा आप देखना कि अपन ने पहले क्या किया था कि जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ लिखते थे बीच में तो अपन लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, या फिर इसके अंदर लिखते थे तो अपन लोग ये वाले ब्रेसेस लगा स्क्वायर ब्रेसेस लगाते थे, ठीक है, मतलब स्क्वायर नहीं ये वाले ब्रेसेस लगाते थे, और अब अपन लोग लगवा रहे हैं स्क्वायर ब्रेसेस। अब ये क्यों, क्योंकि अपन को इसमें जो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पे बताना है। एरे में अपन लोग क्या करते हैं कि 3 कॉलम बनाते हैं, जैसे अब 3 नाम का एरे, तो 3 कॉलम जो है मेमोरी में बन जाते हैं। उसके बाद उसमें वैल्यूज असाइन करते हैं, फर्स्ट कॉलम में ये वाली वैल्यू डाल, सेकंड कॉलम में ये वाली वैल्यू डाल, थर्ड कॉलम में ये वाली वैल्यू, तो उस तरह से चीजें। इसमें अपन ने 3 स्टूडेंट, अपन लोग 3 स्टूडेंट का डाटा, उसका रोल नंबर, ये सब लिख रहे हैं, तो अपन ने 3 नाम का जो है एरे यहां पे डिफाइन किया। इतनी चीज अपन क्लियर हुई। उसके बाद अब एरे में जो है वैल्यूज असाइन करेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं अपन लोग, ये किस लिए लिख रहा हूं, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, जो कमेंट्स है ये चीज क्या है, आउटपुट में प्रिंट नहीं होगी, और कमेंट लिखने के लिए सिंपली अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश को डबल बार 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद अपन कमेंट आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज कोड रहता है तो अपन को चीज़ें समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे अपन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे असाइनिंग वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज जो है उसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट्स जो अपन ने बताया था, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट एरे का, तो स्टूडेंट्स लिख लिया। उसके बाद ये कौन सा वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे बता देना है, ठीक है। तो ये अपना 0 वाला इंडेक्स है, 0 वाला इंडेक्स लगा के डॉट ऑपरेटर लगा के क्या करना है अपन को, नेम जो है वहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जो यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन की थी, नेम और रोल नंबर, 2 चीज़ अपन प्रिंट कराएंगे। तो नेम, अब नेम क्या प्रिंट कराएं वो बता देना है। नेम यार भैया प्रिंट करा दो स्नेहा, स्नेहा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद
इसने अब ये नेम देखिएगा थोड़ा सा, इसमें अपन लोग अगर नेम को ऐसे लिखते हैं तो अपने पास एक एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए नीचे एरर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को अपन लोग सिंगल ऐसे ही नहीं लिखते, ठीक है। स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या अपना बेस्ट वे होता है, सबसे पहले दो यहाँ पे वो लगाया, ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये अपना जो है सिंपल कोड है और लास्ट में ये लगा दिया। तो ये अपना स्टूडेंट जीरो इंडेक्स में नेम जो है इसने यहाँ डल चुका है। उसके बाद अपन को रोल नंबर भी डालना है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, जीरो ही वाले इंडेक्स में आपको क्या करना है, डॉट ऑपरेटर लगाइए, डॉट ऑपरेटर लगाइए और यहाँ पे आप प्रिंट करा दीजिए जो अपना रोल नंबर है वो। अब रोल नंबर की वैल्यू अपन लोग क्या दे सकते हैं, रोल नंबर की वैल्यू देते हैं भैया, रोल नंबर है हमारा, जैसे मेरा रोल नंबर बताऊँ तो मेरा नंबर है 14, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अपन ने कर दिया, पर यहाँ पे स्नेहा है तो स्नेहा का बता देते हैं कि यार मेरे साइड में बैठ जाती है, ठीक है, मेरे साइड में बैठ जा, तो यहाँ पे 15 लगा दिया। ये चीज़ अपन क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड इंडेक्स बनाया स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे इसलिए मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ इसके बीच में, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कौन सा, अपने जीरो इंडेक्स में अपन ने क्या करा, नेम प्रिंट करा दिया और अपना रोल नंबर प्रिंट करा दिया। अब फर्स्ट इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के नेम प्रिंट कराते हैं। अब नेम किसी लड़की का एक बार करवा दिया, अब लड़के का करवा देते हैं, लड़के का नाम क्या रख देते हैं, क्या नाम, अक्षय भाई, ठीक है, अक्षय। उसके बाद अब इसका स्टूडेंट का रोल नंबर देखें, स्टूडेंट फर्स्ट इंडेक्स में ही है बट इसका डॉट ऑपरेटर लगा के अब अपन देखना चाह रहे हैं रोल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग यहाँ पे शायद गलत लिखी क्योंकि एरर आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गलत लिखा है क्या कुछ, हाँ ये अपन ने ये वैल्यू नहीं लिया, अब लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स में ही डॉट ऑपरेटर लगा के अब अपन लोग लिखना चाह रहे हैं रोल नंबर। अक्षय भाई का रोल नंबर कितना है भैया, 22 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले उस पर आए स्टूडेंट्स, अपना क्या सेकंड इंडेक्स, ठीक है, तीन इंडेक्स बनाने हैं, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है सबसे पहले, ये मेरे साथ आप कोडिंग करते हुए चलिए वरना आपको बोरियत लग जाएगी, ठीक है। तो नेम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे किसका नाम दे दूँ, चलो अपना नाम दे देता हूँ, है ना, आदित्य, ठीक है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का सेकेंड वाले उस पर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, अब इसको क्या वैल्यू दूं, तो मैं स्नेहा के साइड में बैठा हुआ हूँ इसलिए मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा वो मत समझना, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने अपने उससे किया है कि मेरे साइड में एक लड़की बैठ जाए, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई, अपन ने क्या करा, जो एक स्टूडेंट नाम की एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाया उसको वैल्यूज जो है असाइन कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अपन इस चीज़ को डिस्प्ले कराएंगे एक लूप लगा के, ठीक है, लूप लगा के, जिससे अपन को बार बार जो है कोड को आउटपुट करवाने के लिए नहीं देना पड़े, ठीक है। लूप एक लगा देंगे, वो अपने आप जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेगा। अब लूप किस तरह से लगाते हैं वो मैंने आपको बता चुका है यूनिट वन में, तो आप जाके देखिएगा, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। डिस्प्ले, इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेइंग स्टूडेंट डिटेल, ये वाला जो सेक्शन होगा इसमें क्या है, स्टूडेंट की जो डिटेल है वो डिस्प्ले होगा। अब इसके वो कैसे होगी, सबसे पहले फॉर लूप लगाया, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, एक जो है अपना पहला डाटा टाइप कर दिया, उसके बाद आई की वैल्यू जो है पहले सबसे इनिशियल में रख दी अपन ने जीरो, ठीक है। जीरो रखने के बाद अपन क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को जीरो रखने के बाद क्या करेंगे, जब तक वो तीन ना हो जाए या तीन से बड़ी ना हो जाए, तब तक उसको क्या करते रहेंगे, आई इज इक्वल्स टू प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होती रहेगी यहाँ से वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपन लोग कर्ली ब्रेसिस लगा के स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट्स और आई की वैल्यू आई, ठीक है, और डॉट ऑपरेटर लगा के इस चीज़ को करा देंगे अपन डिस्प्ले, ठीक है। इतनी चीज़, अब डिस्प्ले क्या है, एक फंक्शन है, तो इसलिए फंक्शन लगाने से पहले यहाँ पे दो अपने वाले एरो वाले ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। उसके बाद ये चीज़ करके यहाँ से अपन आ जाएंगे बाहर और यहाँ लिख देंगे रिटर्न जीरो, जिससे अपना कंप्यूटर को पता चल जाए कि भाई यहाँ से कोड को जो है लिखना बंद करना है, ठीक है। रिटर्न जीरो, रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या यार, रिटर्न, ठीक है, जीरो। इतनी इस क्लियर हुई, तो ये अपना बेसिक जो कोड है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट क्लास का, जिसमें अपन को स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नाम जो है बाहर इस डिस्प्ले कराना है, उसके लिए ये चीज़ लिखनी पड़ती है। आई होप सो मेरे साथ साथ आपने भी ये कोड लिखा होगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा बड़ा छोटा करके भी दिखा देता हूँ, जिस बार छोटा करके दिखा दूँ तो जिससे पूरा कोड आपको दिख जाए, ठीक है।
और बड़ा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस कोड को रन करके देखूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रन कोड पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे जो है आपका टर्मिनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने कुछ मिस्टेक की है, कुछ एरर हैं, उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे करी है मिस्टेक, कहाँ पे करी है मिस्टेक? मिस्टेक अपन ने करी है एक शायद यहाँ पे, जहाँ अपन ने ये चीज़ लगाने के बाद यहाँ पे अपन ने एक इंडेंटेशन नहीं लगाया, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है 12, 12 वाला जो नंबर है वहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं लगाई आफ्टर द क्लास डेफिनेशन, ठीक है। तो इतनी सी क्लियर हुई। अब इस चीज़ को अपन लोग डिलीट कर देते हैं और वापस इस जो अपना कोड है उसको रन करते हैं। अब कोई मिस्टेक नहीं भैया, कोई मिस्टेक नहीं, आपने जो है यहाँ पे जो चीज़ डिफाइन करी थी वहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करा था, यहाँ पे नेम जो करा था, ठीक है, तो नेम पहले डिस्प्ले हो गया इसके साथ, उसके बाद नेम की जो वैल्यू हो यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये चीज़ लग गई यहाँ पे, ठीक है। और रोल नंबर जो आपने लिखवाया था डिस्प्ले करने के लिए वो यहाँ पे लिखा आ गया है ना, और रोल नंबर में जो वैल्यूज़ थी वो आ गई है। और एंडल की मदद से क्या हुआ है भैया, एंडल की मदद से ये हुआ है कि ये कोड रन होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में चले गया है, जिससे जो रिपीटेशन दूसरा स्टूडेंट की वैल्यूज जो प्रिंट करानी थी वो नेक्स्ट लाइन में हो गई। अगर मान लो मैं यहाँ पे एंडल हटा देता हूँ जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोड को रन कराता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का ट्राई करना। इसमें क्या हुआ है, नेम प्रिंट हुआ, स्नेहा प्रिंट हुआ, रोल नंबर प्रिंट हुआ 15, उसके बाद सेम चीज़ जो है सेकंड स्टूडेंट का भी सेम लाइन से प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो वही कोड को थोड़ा ऑर्गेनाइज और अच्छा बनाने के लिए अपन जो है चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन लोग एंडल लगा देते हैं वापस से और इस कोड को रन करते हैं तो भैया बताइए क्या होगा, सेम चीज़ वही होगी कि नेम होगा, रोल नंबर होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं ये चीज़ कैसे आई है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ से अपन एक पेन ले लिया है ना, सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर आइए, ऊपर आइए, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या किया, इंक्लूड आई स्ट्रीम जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंक्लूड आई स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और अपन ने क्लास एक डिफाइन कर दिया। अब क्लास किस तरह से किए, एक वो बनाई है, मतलब बार बार तो नहीं समझा रहा, यहाँ पे अपन ने जो है एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन किया, फंक्शन करेगी, फंक्शन बता दिया, डिस्प्ले करना है आपको क्या, सी आउट करना है, नेम वेम ये सब डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इतनी जबन क्लियर हो गई। उसके बाद ये डिस्प्ले नाम का जो अपन ने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। अब ये लास्ट में अपन ने सेम चीज़ क्या की है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ठीक है, नीचे जाएं, क्या हो गया, हाँ नीचे देखिए, नीचे अपन लोग गए ना, तो अपन ने क्या किया, ये सब लूप लगाने के बाद कि भैया इस चीज़ को अपन को डिस्प्ले कराना है, दो मिनट, ठीक है, इस चीज़ को अपन को डिस्प्ले कराना है, अपन ने लास्ट में लगा दिया, स्टूडेंट को क्या करिए, डिस्प्ले कराइए, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। और डिस्प्ले नाम का फंक्शन कौन सा था भैया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन वही था जो यहाँ पे कॉल किया था, ठीक है, जो अपन ने बनाया था ये वॉइड डिस्प्ले। अब जैसे ही अपन ने ये वाले फंक्शन कॉल किया तो ये वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, दो मिनट, ये यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। आई होप्स अपन को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अगर कोड आता है ना सिंपल एग्जाम में लिखने के लिए कि बताइए एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का कोड का एग्जाम्पल भी आप मेरे को दीजिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये वाला कोड जो है एग्जाम में लिख के, सॉरी, ठीक है, तो ये वाला कोड जिसमें अपना ये वाला आउटपुट आए ये आप एग्जाम में देख के बता सकते हैं, ठीक है। इतनी सी अपन क्लियर हुई, ठीक है। टर्मिनल पोर्ट्स पोर्ट्स पोर्ट्स, ये चीज़ क्लियर हुई, ये वाला जो कोड है आप एग्जाम में लिख के बता सकते हैं और जो आउटपुट आया वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है भैया, ये वाला आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। आई होप सो आपने मेरे साथ साथ जो है इस कोड को रन करके देखा होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ और अपना जो नेक्स्ट पार्ट है पीपीटी का वो समझने का ट्राई करते हैं। तो ये चीज़, ये वाला कोड जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फीचर्स ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कौन से फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने। सबसे पहला फीचर हो गया फिक्स साइज, साइज ऑफ एन एरे इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, जो है इसका साइज क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है ना, ठीक है। उसके बाद एक्सेस व्यू इंडेक्स, ऑब्जेक्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एरे, ठीक है। इसमें भी जो इंडेक्स की अगर मैंने बात की ना कि यार जैसे अपन ने तीन टाइप का जो है वैल्यू बताई कि यहाँ पे तीन स्टूडेंट जो है रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तीन कॉलम बन गए। अब इसमें इंडेक्स किस तरह से होगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा ये जीरो इंडेक्स होगा, ये वाला जो होगा ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, और ये जो होगा ये थ्री सेकंड इंडेक्स होगा, ठीक है। तो वही इंडेक्स यहाँ पे बात की। अब ये थर्ड क्या आ गया, थर्ड है डॉट ऑपरेटर, यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो उसके मेंबर है उसको अपन लोग एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से। एफिशियंट प्रोसेसिंग, प्रोसेस
प्रोसेस ऑल द ऑब्जेक्ट इजली यूजिंग लूप। लूप की मदद से क्या करते हैं, हर जो ऑब्जेक्ट है उसको आराम से प्रोसेस कर पाते हैं। उसके बाद मेमोरी कंटीजियस मेमोरी आर स्टोर्ड इन कंसिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, आराम से जो है मेमोरी अपनी असाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये कुछ फीचर्स हैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, आई होप सो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको करना है नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे ना तो ये आपको लास्ट में जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपके लिए शायद आप एक होमवर्क है। ठीक है, मैंने एक कोड जो है आपको करवा चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया है, जिसमें अपन ने सारी चीज़ों कोड करके देखा, उसके जो जो वैल्यूज असाइन हो रही थी, ठीक है, किस तरह से जो अपना एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, क्लास किस तरह से क्रिएट हो रही थी, वो सारी चीज़ आपको बताई। अब सेकेंड होमवर्क मेरे लिए आपको आपके लिए जो ये है कि यार जो मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है, ये जो आपको कोड लिख रहा है, ये फर्स्ट पेज हो गया इसका, ये सेकंड पेज हो गया, ये कोड क्या है, टास्क है एक स्टोर एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ 5 एम्प्लॉय। ठीक है, जो 5 एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल्स को स्टोर करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये कोड का एग्जांपल आपको क्या है, मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। आई होप सो आप ये होमवर्क करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया ये मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आई। आप कमेंट सेक्शन में जो आउटपुट है वो मेरे को आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको होमवर्क में नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इस कोड को अपने उससे अपने तरीके से, या तो आप ऐसा करिए कि ये सेम चीज़ को देखते देखते आप कोड करें, इससे भी थोड़ा क्या अपनी प्रैक्टिस होती जाती है। या फिर अगर आपको समझ में आया है कि यार क्लास को किस तरह से बनाते हैं, एरे को किस तरह से क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, तो आप सिंपली ये जो कोड है इसको अपने जो अपना नोटपैड है, कोड एडिटर है, चाहे वो वीएस कोड हो गया या फिर अपना ऑनलाइन कप है, उस पर एक बार चला के देखिए, अपनी तरफ से लिख के देखिए, और जो आउटपुट हो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है, बच्चे अगर कमेंट करते हैं कि भैया नहीं हो पाया, ठीक है, चल नहीं पाया कोड, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कोड को अपने थ्रू रन करूँगा। ठीक है, इस होमवर्क को नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे अगर ऐसा आता है। बट मेरे को लगता है यार मेरे जो स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो सारी चीज़ों को आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इतनी से अपन क्लियर हुई, तो आप एक बार कोड को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, या फिर आपको पीडीएफ का लिंक तो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ये पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं डायरेक्ट और पॉइंट्स रिमेंबर थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अब आज के ये लेक्चर्स में अपन ने सीखा उसको समझने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज टू मैनेज मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एफिशिएंटली। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस है, जैसे मान लो स्टूडेंट अपन को 3-4 जो है अपन को डिस्प्ले कराने हैं, ऑर्गेनाइज कराने हैं, तो उसके लिए जो है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। उसके बाद डिक्लेयर ऑफ एन एरे यूजिंग, ठीक है, किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और उसका साइज जो है यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, और डॉट ऑपरेटर की मदद से क्या करते हैं, अपन को जो एट्रीब्यूट्स जो इसमें लगाने हैं और जो अपने मेथड्स हैं उसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, लूप सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज एंड कॉलिंग मेथड्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। लूप्स क्या करता है, जो अपनी प्रोसेस की वैल्यू है उसको वैल्यूज को असाइन करने की उसको क्या कर सिंप्लीफाई बना देता है और मेथड्स को आराम से कॉल कर देता है। ठीक है, एरे वर्क वेल फॉर द स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव टास्क। अगर आपको मान लो रिपीटेटिव टास्क कराने हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में अपन को टास्क कराने हैं, तो एरे बहुत ज्यादा यूज होता है उस जगह पे। इतनी से अपन क्लियर हुई, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद थोड़े से दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ओपन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है थोड़ी मेरी भी हेल्प कर देना, मज़ा आता है लेक्चर को, तो शेयर कर दिया करो यार, मैं भी ज़्यादा लोगों तक थोड़ा फेमस हो जाऊँगा, बच्चों के पास पहुँचूँगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, बाकी सब्सक्राइब का नहीं बोलूँगा, आपने करके रखा होगा, हमारी फैमिली का पार्टी होंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने थर्ड सेम में और भी सब्जेक्ट है, जैसे हो गया अपना डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसका प्राइस जो है 799 रुपीज़ है तीनों का, है ना। और जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है वो आपके प्यारे सचिन सर ने आपको कराया है, और जो अपना डिजिटल सिस्टम है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है वो आपको इरफान सर ने करवाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार प्रोफेसर कॉलेज में समझा रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इसका प्राइस वही 799 है। और ये अगर नंबर, अगर आपको थोड़ी सी भी कोर्स लेने दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टेप बता देता हूँ, जिसको लेना है वो थोड़ा रुके रहना, बाकी तो चले जाओ, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं है। आगे कोडिंग के भी बारे में थोड़ा बताऊंगा तो रुक जाना यार, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको कोर्स लेना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। वहाँ पर जैसे ही आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप मिलेगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वहां पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब रजिस्टर हो जाएगा, सामने इंटरफेस आएगा, वहां पे आपकी सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, RGPB हो गया, AKTU हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तो अपन RGPB सर्च करेंगे और वहां पे अपना ओपन, मतलब ओपन नहीं, डाटा स्ट्रक्चर, अपना डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स वहां पे मिल जाएगा, तो आप लेके अपनी जर्नी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही है यार कि कॉलेज में अपन बार बार, अगर कॉलेज जाना भी अपन को रोकना है कि यार कॉलेज जाके पूरा लेक्चर से पढ़ेंगे, टीचर से पढ़ेंगे, इससे अच्छा अपन 800 रुपये का कोर्स लें, घर बैठे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जब मन किया तब पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम के दिन पढ़ना है, कभी टाइम मिल रहा है 10 लेक्चर एक साथ कर लिए, कभी नहीं मिल रहा है, बकचोदी करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है, तब आराम से जो है नॉर्मल लेक्चर 2-3 लेक्चर ले लिए, तो इस हिसाब से अपन अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है आप देख सकते हैं, है ना। बाकी इसके बाद अपन कर लेते हैं थोड़ी अपने कोडिंग चैनल की प्रमोशन, पढ़ाई, और वो प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि ये सारी जो क्लासेस हैं वो एकदम फ्री है आपके लिए, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, अपना जावा हो, और चाहे वो C++ हो, सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री होने वाली। तो एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, ये प्यारा सा हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे हमारा जो कोडिंग है वो स्टार्ट करा है, जिसमें सचिन सर जो है आपके वो C++ प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा रहे हैं, और चैतन्य सर आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं, और C++ प्रोग्रामिंग ये DSA भी आगे आएगा, ठीक है, DSA भी इसके बाद आगे कराएंगे, जावा का भी DSA भी आगे कराएंगे, बट अभी जो ध्यान दिया जा रहा है वो बेसिकली C++ प्रोग्रामिंग पे दिया जा रहा है। C++ जो एग्जैक्ट कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जावा भी आपका कोर अच्छे से पढ़ाई जाएगी, देन फिर अपन DSA भी आगे बनाएंगे। उसके बाद जो है पाइथन प्रोग्रामिंग, छोटी सी पाइथन, ठीक है, ये अभी मैं कराऊंगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग, बहुत आगे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग में सब कराऊंगा, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, गेम भी बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो लगते हैं वेदर वाले वो भी बना लेंगे, है ना, जिससे आपका जो ये कोर पाइथन है वो बहुत से क्लियर हो जाए। अपन एग्जाम में आए, कोई पूछे यार जावा आती है C++ थर्ड सेम में, तो बोल देना हाँ भैया पाइथन आती है, अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं अपने, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रखना और उसको सेव करके रखना कि अपना रिज्यूम में भी वर्क करें, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट इसको भी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो आप ये जो 3 लैंग्वेज है इनको पढ़ना स्टार्ट करिए, इसको भी अपन जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका, और ये वेब डेवलपमेंट अगर आप थर्ड ईयर में भी सीखते हैं कोई रोल नहीं है, ठीक है, या 4th सेम में आपके लिए कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला 4th सेम उसमें आपको तो ये कंप्लीट करा देंगे, बट अभी जो है 3rd सेम में आपको ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए अपन रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ लाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, C++ में भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बात कर ली आपसे, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना, इसमें भी अपना मज़ा आता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके रिव्यूज़ की वजह से ही, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी कमेंट आए उसका रिप्लाई दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाता उसके लिए थोड़ा माफ़ करना मुझे, है ना। तो रिव्यू से क्या होता है कि मैं जो अभी फरवरी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी टीचिंग की, तो आपके रिव्यूज़ की बदौलत ही मैं अपने आप को चेंज कर पाया, अपने आप को टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाया, अपने पढ़ाने के तरीके को, और नई नई चीज़ें क्या आपके लिए ला सकता हूँ वो आपके रिव्यूज़ की वजह से। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कोडिंग चैनल ओपन कर दे, क्योंकि बाहर से जो अपन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेनर्स पढ़ा देते हैं और कोई फाकी मार लेते हैं, ठीक है, बेसिक से हमारी प्रॉब्लम समझ के, जो इरफान भैया ने भी करा है M1 में M2 में, आपको बेसिक से लेके गए बिल्कुल, ठीक है, 2+2 भी नहीं आता वो भी सिखाएं। तो हमने भी वही सोच के इसका यूट्यूब चैनल का ट्राई किया, यार कोडिंग चैनल अपन इस तरह से बनाए कि यार बेसिक बच्चा भी अगर हिंदी मीडियम से भी आया हो ना वो, तो उसको भी अपन कोडिंग बहुत अच्छे लेवल से सिखा दें, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव है, तो अगर आपको लगता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।